ताजमहल। दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग ताजमहल का नाम सुना होगा या किताबों में पढ़े होंगे, नहीं तो दादी माँ की कहानियों से सुने होंगे। लेकिन मैं उस ताजमहल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार का ताजमहल। जी हाँ, बिहार का ताजमहल। तो ये है बिहार का ताजमहल जो कि सासाराम में स्थित। भाई साहब, कहानियाँ यहाँ से नहीं, कहानियाँ वहाँ से स्टार्ट होती है। तो जाइए देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रहा पीरो स्टेशन, और पीरो स्टेशन से हम लोग गए सासाराम, और सासाराम जैसे हम लोग पहुँचे भाई। तो फिलहाल देख सकते हैं ये रहा सासाराम का रेलवे स्टेशन, और हम लोग कहीं आए नहीं बल्कि जाना है शेर शाह का मकबरा देखने। देख सकते हैं दोनों साइड मार्केट है, और हम लोग अभी चल रहे हैं पैदल क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर है पानी रौजा। तो चलिए और आप लोग को दिखाते हैं। तो हम लोग जैसे वहाँ पर पहुँचे तो सबसे पहले तो आप लोगों का टिकट लेना पड़ेगा वहाँ अंदर जाने के लिए, नहीं तो ऐसे बाहर देख सकते हो। तो हम टिकट लिए, और टिकट ले करके आपको प्राइस भी बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने में फिर फिलहाल देखिए आपको चेक कराना पड़ेगा टिकट को, और जैसे चेक करके आगे बढ़े तो भाई बवाल का दिखा। चलिए देखते हैं, आप भी देखिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम हैं फिलहाल शेर शाह सूरी की नगरी यानी सासाराम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पानी रौजा, इसको बोल सकते हैं बिहार का ताजमहल। तो चलिए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं। तो देखिए कुछ इस पर करना जा रहा, चलिए अंदर चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो इसमें आने से पहले आप लोग को का टिकट लेना पड़ेगा, जो कि आपको पड़ेगा ये 25 रुपये का। देख सकते हैं कुछ इस तरह का टिकट मिलेगा। तो हम आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए पानी रुक जा, और चलिए आपको अंदर ले चलते हैं। और तो यहाँ पर चेक इन हो रहा है टिकट, और ये है देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं शेर शाह सूरी का मकबरे के बारे में। और यहाँ से एंट्री गेट है और वहाँ तक जाना है, चलिए चलते हैं। तो ये एंट्री में देख सकते हैं ये यहाँ पर दरवान राजा था, और ये है दरवान का मकबरा, और इसके बाद शेर शाह का मकबरा है। तो चलिए ये है समाधि, चलिए चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों साइड फूल लगाया गया है, और ये बीच में है तालाब, और ये रहा शेर शाह सूरी का मकबरा। चलिए आप लोग को अंदर ले चलते हैं। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटा थंब है। तो चलिए आपको ले चलते हैं अंदर,
और दिखाते हैं तो कुछ इस प्रकार है, ये छोटा हॉल है, देख सकते हैं। इस प्रकार का गुंबद छोटा छोटा चारों कोन पर एक एक दिया हुआ है, यानी चार ठो गुंबद है, और ऊपर में ये बड़ा वाला में भी चार कोन पर गुंबद है। चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 24 टोटल कमरे हैं, देख सकते हैं पुरुष और महिलाएं दोनों को मिला करके। तो चलिए आपको बाइक कैंपस दिखाता हूँ। नीचे अभी जा रहे हैं और तो ये सीढ़ी द्वारा हम लोग आ चुके हैं नीचे, और ये देखिए इस तरह है पोखरा, और ये चारों ओर बाउंड्री मारा हुआ है।